तुम्हें पैसे दे रहा हूँ यार, कहाँ से मैं पैसे लेके तुम्हें दूँ? तुम ही बता, अभी तक मैंने तेरे को 1.5 लाख रुपए दे दिया, मैं कहाँ से पैसे लेके दूँ? यार मेरे पास पैसे अभी नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें लेके दूँ? तुम ही बता, हद होगी मतलब इस इंसान की तो। अगर तुम जब बोलती थी तब अभी मेरे पास सैलरी तक नहीं उठा, मैं कहाँ से तुम्हें लेके दूँ? तुम ये बताओ। क्या होगा तुम्हें? मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हो, ठीक है? तुम मुझे ऐसे बात करने लगते बिहेवियर। अरे यार मैं बिहेव, मेरा कंट्रोल मेरा सही है, मेरा कंट्रोल सही है, तुम अपना सही करो। पब्लिक हमें देख रही, पब्लिक देख रहा तो मैं क्या करूं? तो क्या फिर क्यों पटाए थे पैसे देने की? मेरे पास पैसे अभी नहीं है, जब होगा मैं तब तुम्हें लेके दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या जरूरत है यहाँ पे? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमारी बात सुनने के तरीके खड़े हो। तुम्हारा यहाँ काम है नौकरी करना कि यहाँ करके लड़ाई करना? भाई मैं क्या करूँ यार, मेरा माथा खराब हो रहा है। ये आप इधर आके क्यों बैठ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ आपका यहाँ काम क्या है? मेरा काम है ये ड्यूटी करना। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो ना तुम? हाँ जी। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो, यहाँ क्या कर रहे हो बैठ करके? भाई तो उसकी हैसियत तो है नहीं। मतलब क्या हैसियत नहीं? भैया मैं आपको क्या बताऊँ, 6-7 महीने से साथ रह रहा हूँ, अभी तक मैंने इसे 80-90 हज़ार रुपये कैश दिए हैं, बाद बाकी ड्रेस फोन सब मैंने इसे दिलाया, अब बोल रहा फिर 20 हज़ार रुपये, मैं कहाँ से इसे लेके दूँ? आप ही बताओ। भाई मैं मास कम्युनिकेशन की औकात नहीं, तो उसने करा ही क्यों फिर मुझसे? तू मुझे पहले बोल देती ना, वो कर, तू मुझे बोली पहले क्यों नहीं? सो बता तू ही। समस्या क्या है? मैं समझ नहीं रहा क्या प्रॉब्लम है। समस्या भैया ये है, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक, हम लोग लमसम में 6-7 महीने से बात कर रहे हैं, और इसे मैंने 70-80 हज़ार रुपया कैश दिए, फोन दिलवाए, ड्रेस जो बोलती थी मैं करवाता था, अभी फिर बोल रहे 20 हज़ार रुपया देने के लिए, मैं कहाँ से लेके इसे दूँ? आप ही बताओ। मेरे घर में मम्मी का एक्सपायर हो गया, पापा का तबीयत खराब है, भाई बहन सब है, मैं घर पैसा भेजूँ या इसे लेके दूँ? वो बताओ आप। आप बताओ उसकी हैसियत थी मुझे बताने की? मैं मास कम्युनिकेशन 3rd ईयर फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, इसकी कुछ हैसियत थी? भाई भैया क्या करें, आप ही बताओ आप, मैं क्या करूँ? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? भाई मैं 10th फेल हूँ। तुम्हारी का एक शब्द तो आता नहीं इसको, क्या करूं? तुम्हें पहले बोलना चाहिए ना, मैं क्या करूं? अभी समस्या क्या हो रही है? अभी क्या समस्या भैया ये है, अभी बोला मुझे अभी पैसों की जरूरत है और ये दे नहीं पा रहा बिल्कुल भी। मैं कहां से लेके दूं भैया, वो आप बताओ मुझे। ये इसको पहले सोचना चाहिए ना, औकात थी नहीं मुझे पटाने की, तो तूने आया क्यों फिर? अगर तू पहले मुझे बोल देती ना, अभी क्यों बोल रही है? जब इतना ले लिया उसके बाद तुम बोल रही है तेरी औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं तुम्हें क्या नहीं दिला है? तो ही हो मतलब मेरी औकात पे तो ही हो मतलब। तुम्हारी औकात तो मुझे दिख रही है, मैं 1.5-2 लाख रुपया तुम्हें दे दिया हूँ, अभी तक मैं तेरे पीछे खर्चा कर दिया हूँ। भैया आप ही समझाओ, उसकी टोन देखो कैसी जा रही है। भैया मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। आप उससे पैसा मांगे क्यों रहे हो ना? क्योंकि मेरी जरूरत है ना, और ये मेरा बॉयफ्रेंड, मुझे देगा और कौन देगा? आपने एग्रीमेंट किया था क्या उसे बॉयफ्रेंड बनाते समय कि मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ? तो ये क्या बात हुई? मुझे नहीं समझ में आई आपकी लॉजिक। ये एक तो अनपढ़ आदमी था, एक तो इसको मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाया, इसको वो इज्जत दी एक मेरे लेवल में, मेरे फ्रेंड्स से इसकी दोस्ती करवाई, और अभी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो मैं बोला था तुम अपने फ्रेंड्स से दोस्ती करवाओ, तो ये मुझे पैसे भी नहीं दे सकता। तो मैं बोला था तुम अपने फ्रेंड से दोस्ती करवाओ, सो तुम ही बताओ, मैं बोला था तुम्हें? इसकी क्या औकात थी पहले, और अब देखो किनके पीछे बैठता है। मैं जानता हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है यार, तुम्हें ये बताओ, तुम्हें कुछ कोई चीज़ का दिक्कत मैंने दिया अभी तक, वो बता तू। अभी मेरे पास अभी क्या हो रहा है? मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँगी? मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे पास पैसे कभी नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। भैया आप ही समझाओ इसे, आप ही समझाओ, मैं क्या करूँ? ये क्या समझाएंगे? क्यों नहीं समझाएंगे? मेरे तो कोई नहीं लगते हैं, बस भैया बोल रहे हैं। क्यों किसी से किसी को मतलब नहीं रहता है क्या? इंसान हो ना, तुम भी इंसान हो। भैया बोलो यार, आप ही बोलो, मैं क्या करूँ? मेरे पास भी पैसे नहीं है, सौ बात का एक बात, मेरे पास पैसे नहीं। फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। अगर ब्रेकअप क्यों हो जाएगा? अगर तुम्हें यही सब चाहिए तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। फिर मैंने इतना खर्चा जो किया वो क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा जो लेवल मैंने सुधारा है वो क्या था? लेवल क्या तुम सुधारे हो पहले जैसा? इन मैं तुम्हें तो ये नहीं है कोई चीज़ का दिक्कत दिया, फ़ोन से लेके कपड़े से लेके पैसे सब दिया मैंने तेरे को, दिया कि नहीं सो बता। तुम अभी क्यों ड्रामा क्रिएट कर रहे हो सबके सामने? तुम्हें मजा आ रहा है तमाशा बनाने? तुम्हारे तो कोई इज्जत है नहीं। तमाशा तो तुम कर रहे हो, तुम मेरी भी बेइज्जती करवा रहे हो। तमाशा तुम कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। गार्ड की वर्दी पहन रखी है, हरकतें कर रहे हो इधर बैठकर। तमाशा तो तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं। उठ के हम कहां चले जाए? मैंने गलत बंदा बता लिया सच में। अभी यार मैं क्या करूं, तू वो बता।
तू बस इधर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं होगा। अब यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, रियल बोल रहा हूँ। अब तुम मान या ना मान, यार तेरे लिए मैं क्या क्या नहीं किया सो बता। भैया क्या करूँ आप ही बताओ। ये बेच दे समझी ना, कोई अगर कोई लेगा जितना तुझे जरूरत है उतना में तू मुझे बेच दे, ठीक ना। तुम्हारा पूरा हो जाए बस मैं वो चाहता हूँ। तुझे खरीदेगा कौन? हाँ मेरी औकात भी तुझे खरीदेगा? मेरी औकात नहीं है। खरीदेगा कौन? तू पहले ये सोचना तुझे। वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, किसी के कहीं पे बेदे मैं जो बोलेगा उसी गुलामी में करूँगा। उसी गुलामी में करूँगा, खरीदेगा भी नहीं उसकी मैं गुलामी करूँगा। लेकिन तेरा जरूरत पूरा हो जाएगा ना, सो बता। भैया क्या करे आप ही बताओ। अब मेरा हमको कहीं पे बेच दो या मेरी किडनी बेच दो, मेरा ब्लड बेच दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी जरूरत पूरा कर दो, इसे 20,000 रुपये आप दो, आप अपने साथ मेरे हमको ले चलो, जो बोलोगे वो मैं करूँगा। इसे 20,000 दे दो अगर आपके पास है तो। मैं इससे प्यार करता हूँ, ये पैसे के लिए मुझसे ब्रेकअप कर रही है। ये पैसे के लिए मुझसे प्यार की थी, इससे पूछिए तो तुम इससे पैसे के लिए प्यार की थी? तुम्हारे पास और कुछ है जो मैं कर सकती थी? हाँ पैसे ही था ना। हाँ वो तो था, लेकिन जितना था मैं तुझे दे तो रहा हूँ। अभी मेरी सैलरी नहीं उठी है, मेरे घर में तबीयत सबका खराब है, मैं क्या करूँ? मैं उसका मैं क्या करूँ भाई? एक मिनट, क्या प्यार पैसों से होता है? हाँ प्यार है तो पैसा है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम खुशी। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? मैं मास कम्युनिकेशन की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसकी हैसियत क्या है? अच्छा उसकी हैसियत क्या? वो गरीब है, उसके अंदर कमी यही है ना। गरीब तो तुम हो जो तुमने उससे पैसे लिए। तो मैंने इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, हम घूमते साथ में, इसका एकदम लेवल देखो आप, कई स्टैंडर्ड बना दिया मैंने इसका। उसका तो स्टैंडर्ड अभी भी वही है, वही भी अभी भी वही वॉचमैनी की वर्दी लगा के घूम रहा है। क्वालिफिकेशन है जो इसको कोई जॉब देगा कोई? मैं तो तेरी जरूरत पूरा कर रहा हूँ, जो इसकी करेगा कोई भी, सिक्योरिटी गार्ड मैं कुछ भी करूँ, सब कुछ तुम्हारे से मुझे सुनना पड़ रहा है। यार मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ भाई? मैं एक बात बोलूँ? हाँ भैया। तू चाहती क्या है मुझे ये बताओ? मैं चाहती हूँ कि मेरी पैसों की जरूरत है पूरी करे, मुझे भी जरूरत है पैसे। अच्छा उसके पास नहीं है? उसके पास पैसे नहीं है तो ये हट जाए, ब्रेकअप कर ले मुझसे, बस और क्या। भाई मैं तुझे पैसे दे दूंगा ना फिर भी ये तुम्हें छोड़ देगी? मुझे ये चाहिए। मैं तुम्हारे पैसे तो दे दूंगा लेकिन ये तुम्हें छोड़ देगी फिर भी? क्या करे भैया मुझे ये चाहिए, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे भले करे या ना करे मैं इसे करता हूँ। और इसको भगाओ, बोलो तुम गरीबों से मुंह नहीं लगते। भगा इसे, अब तू अमीर हो गया है। तू बर्बाद हो जाएगा भाई, अब तू अमीर है, भगा दे इसे फिर लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं तुझे ये फ़ोन और ये घड़ी में दे रहा हूँ 3.5 लाख रुपए का है ये, तो भगा इसे तेरी किस्मत ख़राब कर देगी ये। नहीं भाई भगा इसे, चल जा तू जा, के लिए इतना किया मेरे साथ ऐसे ही कर रही है। अभी कौन कर रहा है? हाँ अभी फ़ोन हाथ में आके तुम तो बदल गए। हाँ मैं बदल गया, जा निकल भाई तू निकल, हो गया गरीबों से मुँह नहीं लगता वो, जा। इसकी इतनी मदद कर लगता कौन है आपका? मैटर ये नहीं करता कि मेरा लगता कौन है, मैटर ये करता है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, और तुम्हारे जैसे लालची लोगों की मैं मदद नहीं करना चाहता हूँ। जाओ वो तुमसे अमीर है, भगाओ यार इसे। यार मेरी मदद कर सकते थे, मेरी भी जरूरत है भाई, इसे भगाना है। अभी जाओ निकल निकल, इधर आ जा भाई। मैंने इससे इतना प्यार किया, मेरे साथ क्या की देखे ना आप। कितना पैसा दिए हो आप? भैया मैं इसे 80 से 90 हज़ार रुपये कैश दिया होगा, ड्रेस दिलवाए, फ़ोन दिलवाए, जो बोलता था मैं वो करता था इसके लिए। आज यहाँ चलना है तो वहाँ जाता था, जहाँ घूमने के लिए बोलती थी वहाँ इसके साथ जाता था। आपने जितने पैसे दिए हैं वो सारे पैसे मैं दूंगा आपको, मैं आपको 3 से 4 लाख रुपए दूंगा। हाँ जी भैया। और मैं आपको एक अच्छा सा फ़ोन दिलवाऊंगा। हाँ जी। और आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो। ओके भैया। रोने से कुछ नहीं होगा, क्यों इतना इमोशनल हो जी? प्यार कुछ नहीं होता भाई, ये दिल्ली है, तुम जो पैसे कमाते हो ना इसीलिए वो प्यार था। और एक बात बोलूं, वहाँ पे कैमरा लगा है प्रॉपर, मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और मैं उसको यूट्यूब पे दिखाना चाहता हूँ। तुमने कितना पैसा दिया है इसको?
भैया बोले ना, अगर सारा जोड़े तो 1.5 से 2 लाख रुपए इसके पीछे में खर्चा। सोचो यार, ये बेचारा गरीब आदमी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, 10-12 हज़ार कितनी सैलरी है आपकी? 14 हज़ार रुपए। बताओ 14 हज़ार कमाता होगा, उसमें क्या बचाता होगा, क्या घर बेचता होगा? उसके बाद ऐसा करते हैं यार, कौन गलत है कौन सही है आप खुद जज कर सकते हो, और मैं आपको अपनी तरफ से जितना आपने खर्चा किया मैं आपको एक अच्छा फ़ोन दिलवाऊंगा। ये फ़ोन तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे डेटा हैं, मैं आपको एक अच्छा सा फ़ोन दिलवाऊंगा और आपको मैं 2 लाख रुपए दूंगा। गाइस यार बहुत अच्छा लड़का है यार ये, जो भी मुझसे इसकी मदद हो सकेगी मैं वो मदद करूंगा। थैंक यू भैया इतना करने के लिए आपने। अरे आओ यार, आ जाओ, तुम आओ मेरे साथ आओ। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, डंडा ले लो अपना आओ।